हेलो गाइस, मैं सौरभ शर्मा आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से बिना कोचिंग लिए कोई भी एग्ज़ाम आरआरबी का कोई भी एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि टिप्स मैटर्स करती हैं। देखिए दोस्तों, आपको नहीं लगता कि कुछ कोचिंग सेंटर्स मुफ्त की फ़ीसें खाते हैं? मतलब उतनी क्वालिटी भी नहीं होती मगर आपसे बस फीस खा ली जाती है। तो आज मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि किस तरह से आप बिना किसी भी कोचिंग के ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। बिलीव मी, आप कर सकते हैं ऐसा, राइट? देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। जैसे कि पहली चीज़ आती है, गो थ्रू द सिलेबस एंड इट्स डिफ़िकल्टी लेवल। मतलब आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिरकार सिलेबस कैसा है या फिर किस लेवल का है। एग्जाम्पल दूँ तो आपके सामने ये रहा आपका सिलेबस, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के एंड जनरल साइंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। ओवरऑल देखा जाए तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। मगर ये यहीं पर नहीं थमता, आगे इसमें डिटेल सिलेबस ये है। अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स का, तो ये वही सिलेबस है जो आप ऑलरेडी कोचिंग सेंटर्स के नोट्स में पा सकते हैं। मतलब आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप कोचिंग सेंटर के नोट्स ही आपके लिए इनफ काम करेंगे। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रिक्शन, सेल्सियम, एचसीएफ, मैं केवल पार्ट एक की बात कर रहा हूँ। अभी आने वाली वीडियोस में सारे पार्ट्स की भी बात करूंगा अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है आप लोगों से। तो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंस्ट्रुएशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स एंड कैलेंडर क्लॉक। तो ये मतलब आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा सा एक सिलेबस लिख रखा है, मगर ये वही सिलेबस है जो आप ऑलरेडी SSC के लिए पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने SSC वाले नोट्स उठाइए या फिर कोई भी नोट्स आपके पास हों वो उठाइए, अपने दोस्तों से मांग लीजिए। और अभी तो मैं बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ आपको आगे कि किस तरह से अगर आपके पास नोट्स भी ना हो तो आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस, ये आपके सामने सिलेबस रहा, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस। तो नॉर्मली जो आपका ये जो सिलेबस रहेगा जनरल साइंस का, वो 10th लेवल तक का, और आपको जो जनरल अवेयरनेस भी पढ़नी है वो केवल 10th लेवल तक की पढ़नी है। तो ये थे डिटेल में सिलेबस, आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। मगर मैं आपके सामने जो चीज़ मैं आज बताने आया हूँ कि आपको मदद क्या चीज़ करने वाली है सबसे ज़्यादा, वो ये है कि कैसे आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें। देखिए, हम सब एम बना लेते हैं मुझे यहाँ पर जाना है, मगर हम तैयारी नहीं करते स्टार्ट। जिस दिन हम तैयारी स्टार्ट कर देते हैं और मिड में पहुँच जाते हैं, तो आप यकीन मानिए आप उसका अंत करके ही रहेंगे। देखिए, एक कहावत है कि अगर हम किसी भी कार्य को 21 दिन तक लगातार करते हैं तो वो कार्य हमारी आदत बन जाती है। तो आपको ये कार्य 21 दिन तक लगातार करना है और आप पाएंगे कि आपकी आदत में आ चुका है। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है कि प्रॉपर टाइम टेबल आपको बनाना है। मैं ये नहीं कहता आपसे कभी भी कि जो आप टाइम टेबल बनाएं वो कम्प्लीटली आपका ये हो कि आप एक एक दिन का टाइम टेबल बनाएं, नहीं। अगर आप चाहते हैं तो आप एक सप्ते का टाइम टेबल बना सकते हैं कि मुझे पूरे सप्ते में बस 24 घंटे पढ़ना है। अगर आप ठीक ठाक पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, तो आपके लिए 24 घंटे मोर देन इनफ है कि अगर आप पूरे सप्ते भर में से अपने कीमती 24 घंटे इस एग्ज़ाम के लिए निकाल दें तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक दैट एग्ज़ाम, राइट। सेकेंड इज दैट यू हैव टू मेक अ डिवीजन बिटवीन ऑनलाइन स्टडी एंड ऑफलाइन स्टडी, राइट। तो आपको एक क्लियरली करना होगा कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, ऑनलाइन स्टडी एंड ऑफलाइन स्टडी में कितना कितना टाइम देना है इन 24 घंटे में से। देखिए, मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि हमें कई बार देखने को मिलता है जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं लाइक अस, राइट। PDF मिलती हैं वहाँ पर, टेस्ट सीरीज मिलती हैं एंड यूट्यूब चैनल्स। तो यूट्यूब चैनल्स में आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि यार, देखिए मैं कभी भी ये नहीं कहता, चीज़ों को बुरा नहीं समझना चाहता। मैं कहने को कह सकता था कि हमारे चैनल पर आप बैठे रहिएगा, कहीं भी मत जाइएगा, हम सारी चीज़ देंगे, हम देंगे, ऐसी बात नहीं। मगर मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि चैनल को जितना कम हो सके, रिड्यूस हो सके, उतना करें। बताऊंगा कि क्यों जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि YouTube चैनल्स आपको अपडेट रखते हैं, YouTube चैनल्स आपको सबसे पहले जो जनरल अवेयरनेस है वो वाला पार्ट आपका स्ट्रांग रखते हैं। तो उसके लिए आज ढेरों सारे YouTube चैनल्स हैं लाइक अस जो आपकी मदद कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हमें ही फॉलो करें, कोई भी YouTube चैनल जो आपको पसंद आए आप उसे फॉलो कर सकते हैं, बट स्टिल क्योंकि हम जानकारी दे रहे हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब कर देना बॉस, राइट। PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो ये आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बेनिफिशियल, मगर दोबारा से कहूँगा अति हर चीज़ की बुरी होती है। आप केवल और केवल किसी भी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के भरोसे ना बैठें, आपको
ऑफलाइन स्टडी भी करनी होगी। ऑफलाइन स्टडी में आपकी बुक्स आती हैं, नोट्स आते हैं जिन्हें आप दोस्तों से मांग कर लाते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर के प्रैक्टिस सेट्स आते हैं, और अगर आपने ये कर लिए तो निश्चित तौर पर मानिए कि आप जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर देख रहे हैं वहाँ से आपकी दूसरी और तीसरी चीज़ें हट जाएंगी। केवल एक चीज़ बचेगी, यूट्यूब चैनल, जहाँ से आपको केवल जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, ये चीज़ें लगानी है। तो कैसी लगी ये वीडियो, बाकी मैं आपको बेस्ट बुक्स बताने वाला हूँ अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में, और बताऊँगा और अच्छे अच्छे तरीके की आपको कौन सी चीज आपको बूस्टअप करेगी, कौन सी चीज किस पार्ट पर आपको बूस्टअप करेगी। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो, तो लगा हो कि हाँ थोड़ा बहुत आपके हित में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।